हम लाते हैं टॉप न्यूज, आपके फेवरेट टॉक शोज और अनलिमिटेड एंटरटेनमेंट सिर्फ यूट्यूब पर। अगर आपने अभी तक हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो अभी सब्सक्राइब करें और बेल आइकॉन को क्लिक करके हमारी लेटेस्ट वीडियोस के बारे में अपडेट जानें। सब्सक्राइब कीजिए और हम आपको लिए चलेंगे आपकी फेवरेट वीडियो की तरफ। एहतसाब अदालत इस्लामाबाद में इसहाक डार के खिलाफ नैब रेफरेंस की समाअत। इसहाक डार के जामिन और वकील अदालत से गैर हाजिर। समाअत में वक्फा। इसहाक डार को 10 रोज में अदालत में पेश होने का हुक्म, वरना इश्तिहारी करार दिया जाएगा। लाहौर में चेयरिंग क्रॉस पर धरना 5वें रोज भी जारी। मुजाहिरीन का खत्म नबूवत मामले के तमाम जिम्मेदारों के खिलाफ कार्रवाई और कारकुनों के कत्ल की FIR दर्ज करने का मुतालबा। लाहौर में चेयरिंग क्रॉस पर धरने से रास्ता बंद। आवाम को आमदोरफ्त में शदीद दुश्वारी का सामना। पंजाब में 2 रोज से बंद तालीमी इदारे खुल गए। वजीर आजम शाहिद खाकान अब्बासी आज 1 रोजा दौरे पर कराची पहुंचे। पोर्ट कासिम पर CPAC के तहत तामीर कोयले से चलने वाले बिजली घरों का इफ्तिताह करेंगे। गवर्नर हाउस में वजीर आजम की जेर सदारत अमनो अमान की सूरत हाल पर इजलास भी होगा। पाकिस्तानी सफीर एजाज चौधरी से अमरीकी सेनेटर कैरी वॉकर की मुलाकात। बाहमी ताल्लुकात पर तबादला ख्याल। एजाज चौधरी कहते हैं अफगानिस्तान में अमन के लिए पाकिस्तान और अमरीका का साथ जरूरी है। पंजाब के इलाके कलोरकोट में मुसाफिर बस और ट्रैक्टर ट्रॉली में तसादुम। ड्राइवर और कंडक्टर समेत 3 अफराद जांबहक। मंडी बहाउद्दीन में भी ट्रैफिक हादसा। 2 अफराद लुकमा अजल बन गए। सऊदी अरब में करप्शन के इल्जाम में गिरफ्तार शहजादे मतब बिन अब्दुल्ला को रिहा कर दिया गया। शहजादा मतब बिन अब्दुल्ला की रिहाई 1 अरब डॉलर वापस करने के समझौते के बाद हुई। मजीद 3 अफराद ने रिहाई के लिए डील कर ली। मगरबी मीडिया का दावा। बैलिस्टिक मिसाइल का एक और तजुर्बा कर लिया। मिसाइल 1000 किलोमीटर का फासला तय करने के बाद जापानी समंदरी हदूद में जा गिरा। मिसाइल तजुर्बे पर सलामती काउंसिल का इजलास तलब। सूरत हाल पर अमरीकी सदर और जापानी वजीर आजम की टेलीफोन पर बातचीत। डोनाल्ड ट्रंप कहते हैं शुमाली कोरिया से सख्ती से निपटेंगे। जनूबी कोरिया का फौज को तैयार रहने का हुक्म।